Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.sbsmartschools.com. दक्षिणी कश्मीर के जिला अनंतनाग के जबलीपुरा में आतंकवादियों ने बीती रात दो युवकों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। मृतकों में एक ऑटो चालक और एक डेंटल टेक्नीशियन था। किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने घटना स्थल से मिले सुरागों के आधार पर आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चला रखा है, जो अब तक जारी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मौजूदा लॉकडाउन 31 मई से आगे बढ़ना लगभग तय है, लेकिन इसमें कुछ अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों को छूट मिल सकती है। जम्मू जिले में 29 अप्रैल से लॉकडाउन है। ऐसी पूरी संभावना है कि आज दोपहर बाद उपराज्यपाल कार्यालय से इसे आगे बढ़ाने का फैसला आ सकता है। बेशक कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, परंतु मौतों का आंकड़ा चिंता का विषय है। ऐसे में प्रदेश सरकार कोई ढिलाई देने के पक्ष में नजर नहीं आ रही है। जम्मू जिले में कुछ दिनों से तेज गर्मी और तापमान 40 डिग्री रहने से लोग गर्मी से बेहाल हो गए थे। वहीं मौसम लोगों पर मेहरबान हुआ और शाम होते होते तेज हवा के साथ बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई। हालांकि तेज हवाओं और आंधी से आम की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर में खानाबदोश जनजाति समुदायों की पूरी आबादी की गणना और सर्वे होगा। इस सर्वे पर संबंधित समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान की विभिन्न योजनाओं का लाभ उन तक सही तरीके से पहुंचाने की कार्य योजना तैयार होगी। प्रदेश में ये अपनी तरह का पहला सर्वे है। सर्वे में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए 3 करोड़ भी मंजूर कर दिए गए हैं। इसमें गद्दी, बकरवाल और गुज्जर समुदाय शामिल हैं। कोरोना संक्रमण की मौजूद स्थिति का आकलन करने के बाद उपराज्यपाल प्रशासन ने जम्मू कश्मीर के 5 जिलों को रेड जोन और जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा है। जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार लखनपुर के दोनों तरफ 500 मीटर का क्षेत्र और जवाहर टनल के दोनों तरफ का क्षेत्र रेड जोन में ही रहेगा। रेड जोन में कश्मीर संभाग का पुलवामा, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम और कुपवाड़ा जिला शामिल है। यह आदेश 31 मई से अगले आदेश तक लागू रहेगा। कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन में सामाजिक संगठनों के अलावा राजनीतिक दलों के नेता भी लोगों की मदद को आगे आ रहे हैं। कहीं खाना बांटा जा रहा है तो कहीं सैनिटाइजर और मास्क वितरण चल रहा है। इसी क्रम में पूर्व मंत्री व पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता यशपाल कुंडन ने रामगढ़ क्षेत्र में लोगों के बीच सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए। साथ ही आए लोगों को कोविड महामारी के बारे में जागरूक किया गया। जम्मू कश्मीर का पत्रकार चाहे कोविड महामारी हो, नेचुरल क्लाइमेटीज हो, जनता की परेशानियां हो या फिर आतंकवादी घटनाओं में अपनी जान हथेली पर रखकर एक एक पल की खबर से जनता को रूबरू करवाता है। पत्रकार सरकार और जनता के बीच पुल का काम करता है, पर अफसोस एक वाका ने सभी को हैरान कर दिया, जब पुलवामा के फोटो जर्नलिस्ट ऋषि इरशाद को सुरक्षा बलों द्वारा हरास किया गया। वो शोपियां गनपोरा इलाके में मुठभेड़ को कवर करने गए थे। इस दौरान उनका कैमरा और मोबाइल फोन छीन लिया गया और उन्हें घंटों बिठा कर रखा गया। पत्रकार से इस तरह का व्यवहार समझ से परे। इसी को देखते हुए पुलवामा जर्नलिस्ट फेडरेशन ने पत्रकार ऋषि इरशाद के उत्पीड़न की कड़ी शब्दों में निंदा की है। वहीं इस मामले को PJF के प्रेसिडेंट ने अधिकारियों के समक्ष कर इस मामले की को इन्वेस्टिगेशन करने का अनुरोध किया है। वहीं उन्होंने उपराज्यपाल और DGP पुलिस से कश्मीर में प्रेस बरादरी पर इन घटनाओं को देखने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2253 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान पिछले 24 घंटे के दौरान 46 मरीजों की मौत हो गई। 46 और मरीजों के साथ जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 3841 हो गई है। वहीं 2253 नए मामलों में से 1459 कश्मीर संभाग से जबकि 794 जम्मू संभाग से नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। जम्मू के सांबा जिले की भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बैनगलाड क्षेत्र के बंद टीपी की सीमा पर BSF ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को घायल किया था। वही घायल पाकिस्तानी सैयद आसिम काजमी ने बीते दिन GMC में दम तोड़ दिया। BSF 48वीं बटालियन की ओर से BP नंबर 5354 के बीच फॉरवर्ड एरिया BPO बंद टीपी के जीरो लाइन पर पाक रेंजर्स के साथ मीटिंग के बाद
पाकिस्तानी नागरिक का शव पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंप दिया गया। एलोपैथी और आयुर्वेद को लेकर उपजा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बाबा रामदेव रोजाना नया बयान दे रहे हैं। वहीं इस बार उन्होंने अभिनेता आमिर खान का वीडियो जारी किया। रामदेव ने कहा कि मेडिकल माफिया की हिम्मत है तो आमिर खान के खिलाफ मोर्चा खोलकर दिखाएं। उन्होंने स्टार प्लस के आमिर खान के उस कार्यक्रम का वीडियो अपने फेसबुक पर साझा किया जिसमें राजस्थान में एक व्यक्ति ने मेडिकल स्टोर से 2151 रुपए की दवा ली थी और वहीं जेनरिक मेडिकल स्टोर से वही दवा 354 रुपए में मिली थी। कीमत के इस अंतर को लेकर रामदेव ने सवाल उठाए हैं।